हर हर महादेव। अभी एक चित्रकूट से एक पंडित जी का प्रश्न है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत के पश्चिमी भारत और पूर्वी भारत में प्रायः ये अंतर है। जैसे पश्चिम में पिता अपनी पुत्री को प्रणाम करता है, छोटा और बड़ा भाई भी छोटी बहन को प्रणाम करता है, और मामा भांजे को प्रणाम करते हैं, और ससुर दामाद को प्रणाम करता है। ये चार संबंध हैं। लेकिन पूर्वांचल में है ना, पूर्वी उत्तर प्रदेश में और भी आगे क्या होता है कि ये जो है कन्या अपने पिता को प्रणाम करती है, विवाह से पहले भी बाद में भी। छोटी बहन अपने बड़े भाई को प्रणाम करती है, और मामा मामा को भांजा प्रणाम करता है, और दामाद ही ससुर को प्रणाम करता है। ये विपरीतता है। तो इसमें से सही क्या है, शास्त्रानुसार क्या है, शास्त्र किसकी की अनुमति देते हैं? तो देखिए, शास्त्रों में बतलाया गया है, मुख्य वही वचन है जो आप जानते हैं कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। ये जो भगवान मनु का वचन है कि ये जो नित्यम वृद्धोपसेविना, अपने से आयु में जो वृद्ध हैं, ज्ञान में जो वृद्ध हैं, या आयु की बात है मुख्य रूप से संबंध में, उनका प्रणाम करना चाहिए, उनका अभिवादन करना चाहिए, उनको नमस्कार करना चाहिए, तो उसको जय जो है आयु विद्या यश और बल की वृद्धि होती है। क्योंकि जब कोई बड़े लोग उपस्थित होते हैं और छोटे लोग खड़े होकर के उनका अभिवादन नहीं करते हैं, तो छोटे लोगों के प्राण अस्तव्यस्त हो जाते हैं, उनके प्राण अस्तव्यस्त हो जाते हैं। भगवान मनु ही कहते हैं, ऊर्ध्वम प्राणा हित क्रामंती यूना स्थविर आयति प्रत्युत्थानाभिवादाभ्याम पुनस्तान प्रतिपद्यते। मनुस्मृति में है, महाभारत में भी है। महाभारत में ये दो जगह है, अनुशासन पर्व में भी है 104वें अध्याय के 65 के श्लोक के रूप में, और उद्योग पर्व में भी 38वें अध्याय में पहले श्लोक के रूप में है, और मनुस्मृति के दूसरे 120 के रूप में है, दूसरे अध्याय के 120वें श्लोक के रूप। इसका मतलब है कि जब कोई वृद्ध ज्येष्ठ लोग आ जाते हैं तो कनिष्ठों के प्राण जो है उथल पुथल होने लगते हैं, लेकिन जब उनका खड़े होकर के भी अभिवादन कर देते हैं तो फिर वहीं आकर के पुनस्तान प्रतिपद्यते, फिर विराजमान हो जाते हैं। इस तरीके की विधि शास्त्रों में दी गई है। शास्त्रों में जहां कोई विधि दे करके यदि उसमें से किसी का व्यावर्तन करना है कि भाई सबको अपने ज्येष्ठ श्रेष्ठों को प्रणाम करना चाहिए, माता पिता को करना चाहिए, माता पिता को सभी के लिए प्रणाम करना चाहिए, लेकिन पुत्री नहीं करें, ऐसा उनको कहना चाहिए था अगर पुत्रियों का निषेध करते तो। लेकिन इसको कहते हैं प्रतिप्रसव, माने निषेध वाक्य, जो पहले निषेध किया उसका निषेध कर देना कि भाई ये ऐसा करते पर ये ऐसा ना करें, ये ऐसा करते हैं पर ये ऐसा ना करें, सब लोग ऐसा ना करें पर ये ऐसा कर सकते हैं, इस तरीके के वचन बाद में देते हैं। तो ऐसा कोई भी प्रतिप्रसव वाला वचन, माने इसका निषेध वचन, इससे उल्टा वचन कन्याओं के लिए कि कन्या प्रणाम नहीं करें, या भांजों के लिए, छोटी बहन के लिए, कहीं भी निषेध नहीं आया है, ध्यान देना। इसलिए विधिर अत्यंतम अप्राप्त, ये विधि है
ज्येष्ठ श्रेष्ठों को अभिवादन प्रणाम करने की विधि है, नियम नहीं है, ये विधि है, अवश्य ही करना चाहिए, इसमें कोई नियम वाली बात नहीं है। तो जब विधि है तो विधि अत्यंत में प्राप्त होती है, अप्राप्त होती, इसका तो करना ही है, कभी भी किसी भी हालत में इसको छोड़ना नहीं है और इसका निषेध है नहीं। तो इस दृष्टि से शास्त्र सम्मत ये बात हुई, ध्यान देना, कि छोटी बहन बड़े भाई को प्रणाम करे, इसमें कोई दोष नहीं है, चाहे वो जो है उसकी विवाहिता हो या अविवाहिता हो, अपने ज्येष्ठ भ्राता को प्रणाम करे। जैसे छोटा भाई बड़े भाई को प्रणाम करता है, ऐसे छोटी बहन भी बड़े भाई को प्रणाम करे, ये शास्त्र सम्मत है। हमारे यहाँ भी यद्यपि इससे उल्टा ही होता है, हम भी जो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, मध्य प्रदेश के रहने वाले, पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में, यहाँ भी छोटी बहन के बड़ा भाई भी प्रणाम करता है, परंतु ये ठीक नहीं है। अभी बात किसी देश हमारे यहाँ वहाँ की नहीं चल रही है, जो शास्त्रीय बात है उसका प्रतिपादन हो रहा है। तो ज्येष्ठ भ्राता को छोटी बहन प्रणाम करे और माता पिता को बेटी प्रणाम करे। जैसे पुत्र अपने माता पिता का अभिवादन करते हैं, प्रणाम करते हैं पैर छू करके, इसी तरीके से कन्याएं भी अपने माता पिता को प्रणाम करें। दूसरी बात, तीसरी बात, जो भांजा है वो मामा को प्रणाम करे। मामा माँ का भाई है ना, तो वो उच्च है, लेकिन होता क्या है, इधर इधर उल्टा होता है, पूर्वांचल में ठीक होता है। तो भांजा ही अपने मामा का अभिवादन करे, मामा को प्रणाम करे, ये शास्त्र सम्मत है। अपन भांजा अपने यहां अपने पिता आदि के श्राद्ध में मामा को भी बुला सकता है, ये भगवान मनु का वचन भी है। और दूसरी बात, चौथा प्रश्न है कि भाई इसी तरीके से जो दामाद है वो अपने ससुर को प्रणाम करे और सासू को प्रणाम करे, क्योंकि वो सासू भी माँ है, पांच माता बतलाई गई हैं, राजपत्नी, गुरुपत्नी, मित्र पत्नी तथैव च, पत्नी माता, स्वमाता च, पंच माता तथा स्मृता संस्मृता, पंच माता संस्मृता, पांच तरीके की माता है, जो राजा की पत्नी, गुरु की पत्नी, मित्र पत्नी, मित्र की पत्नी को लोग भाभी बोलते हैं, कहीं कोई कुछ बोलता है मजाक करते हैं, नहीं नहीं मित्र पत्नी माँ है, मित्र पत्नी तथैव च, और पत्नी माता, पत्नी की जो माता अर्थात सासू वो भी माता है, वो प्रणम्या है, स्वमाता च और अपनी माता तो है ही, ये पंच माता संस्मृता, कहीं कहीं सोलह माता इत्यादि भी गिनाई गई हैं, धात्री जो है धाय इत्यादि सब, मौसी और बुआ इत्यादि को जोड़ करके वहाँ षोडश माता मातरः स्मृता ऐसा भी बतलाया गया है। तो सासू ससुर को जा माता को प्रणाम करना चाहिए। देखा ना दक्ष गुस्सा हो गया था जो है भगवान शंकर ने प्रणाम नहीं किया था, तो क्योंकि भगवान शंकर उनके जामाता थे, तो जामाता जो है ससुर को प्रणाम करता है, पर नहीं किया था। तो भाई अब यहाँ पूर्व वालों का ये ठीक है, पश्चिम वालों का माने मध्य प्रदेश के वासियों का, राजस्थान वासियों का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश वासियों में ये कहाँ से चलने लग गया, उनका प्रश्न है। भाई हमारे यहाँ तो बहुत पहले से होता आया है, ऐसा क्यों हो रहा है कि हम लोग जो जो है जामाता से जामाता को प्रणाम करते हैं, अपनी कन्या को प्रणाम करते हैं, बड़ा भाई छोटी बहन को प्रणाम करता है, मामा जो है भांजे को प्रणाम करता है, ऐसा कैसे होने लग गया, तो इसका कारण समझिए। देखिए शास्त्र में एक एक दिन ऐसा उल्टा करने के लिए लिखा है, वो एक दिन करने का जो कार्य था उसको अब वो रोज करने लगे। हाँ, किस समय कौन अविवादनीय है ये भी शास्त्र ही बतलाते हैं, मनमानी बात नहीं है। देखिए जब पिता अपनी कन्या का दान करता है तो वो कन्या को लक्ष्मी मान करके और जो जामाता है उसको विष्णु स्वरूप मान करके कन्यादान किया जाता है। तो जब कन्या को लक्ष्मी रूपा इमाम कन्याम विष्णु रूपिणे वराय
तुभ्यमाम संप्रदा दे, ये कहा जाता है। तो कन्या लक्ष्मी रूपा है तो कन्या के पैर पूजे जाते हैं, उसका वंदन किया जाता है, उसको प्रणाम किया जाता है, लक्ष्मी मान करके उसकी पूजा होती है। और वो जो जामाता है उसको भी विष्णु भगवान मान करके, जामातरम विष्णु मन्ये तस्य कोपम न कारये, तो उसको विष्णु मान करके और उसको कन्या दी जाती है, तो उसका भी चरण बंधन इत्यादि होता है सासू और ससुर के द्वारा। केवल एक दिन के लिए छूट है, मंडप के नीचे वो जो विष्णु रूप है और कन्या जो है भगवती लक्ष्मी रूपा है, तो यहाँ जो प्रणाम किया जाता है बस। फिर रोज तो वही पुत्र और पुत्री और जामाता ही सासू ससुर को प्रणाम करेंगे, परंतु ऐसा ये इधर के लोग रोज करने लगे, अर्थात वो मंडप के नीचे पैर बंधन किया ना, तो अब रोज करना है, ऐसा उन्होंने शुरू कर दिया। और जो छोटी बहन और कन्या का विवाह से पहले भी जो पिता और बड़े भाई उनका पूजन करते हैं, ये कहाँ से शुरू हुआ? ये हुआ, ये जो है जैसे कहा गया है ना कन्या पूजन, कन्या पूजन होता है नवरात्र आदि में, नवरात्र में कन्याओं का पूजन होता है, तो उसमें चाहे छोटी बहन हो चाहे कोई हो या और भी हो दूसरे की, तो उन कन्याओं का निमंत्रण करके वो बतलाया गया है कि भाई ये कामना हो तो ब्राह्मण की कन्याओं को, ये कामना हो क्षत्रियों की, वैश्यों की, शूद्रों, सब जाति की कन्याओं का जो है निमंत्रण करना चाहिए उसमें, और जो ऐसा अलग अलग कामना परक अलग अलग विचार है, तो और भी जो कन्या है उनका भी जो पूजन इत्यादि सबका होता है, तो अपनी कन्या का भी उसमें पूजन नवरात्र में कर सकते हैं। तो उस समय जो पूजन बंधन किया ना तो सब करने लगे। एक पंडित जी हमसे कह रहे थे कि अष्टवर्षा भवेत गौरी, 8 वर्ष की गौरी होती है फिर रोहिणी होती है, ये जो वचन है, तो बोले ये किसकी संगति क्या होगी, ये तो गौरी है। अरे भैया ये जो गौरी इत्यादि है तो ये तो वे गौरी जो है केवल ये विवाह के प्रसंग में कहा गया है कि विवाह करने का समय जो है इस समय विवाह कर देना चाहिए, और कन्या पूजन से संबंधित ये वचन है, ना कि ऐसा नहीं है कि वो अब उसको गौरी मानी माना जाए और उस समय उसको जो है भगवती रोहिणी माना जाए, तो नववर्षा च रोहिणी, ऐसा नहीं है, तो ये वचन वहीं लागू होगा। तो ये जब कन्या पूजन किया ना नवरात्र में, तो अब रोज पूजन वैसा शुरू कर दिया कि भाई अब कन्या आए हम रोज पूजन करें, उसका अभिवादन करें, वंदन करें, तो ऐसा नहीं है, उस दिन के लिए छूट है। इसी तरीके से मामा, लिखा मामा जो भांजे को कैसे करता, तो श्राद्ध में भांजे को बुलाना, भांजे को बिठा करके भोजन कराना बड़ा प्रशस्त था ब्राह्मणों के यहाँ, क्षत्रिय वैश्य इत्यादि तो भांजे का भोजन न कराए, वो तो भांजे को भले कराए या न कराए मुख्य रूप से तो ब्राह्मणों का ही निमंत्रण करें, लेकिन ब्राह्मणों के यहाँ जो उनका भांजा भी ब्राह्मण है तो भांजे को बुला करके अपने यहाँ श्राद्ध में भोजन कराना बड़ा प्रशस्त था। जब श्राद्ध में भांजे को बुला लिया तो उसका प्रणाम अभिवादन भी करना है, श्राद्ध में जो सब ब्राह्मणों को करना है वैसा उनका भी करना है, तो ये सब प्रशस्त है। तो इस दृष्टि से अब वो रोज ही करना प्रारंभ कर दिया। एक बात और अपने रहस्य की बतलाएं आपको, ध्यान देना, आप इस बात पर विश्वास कर लेंगे, इसी बात को विश्वास करने के लिए ये बात कही जा रही है, अन्यथा इसका कोई दूसरा प्रयोजन मत लेना। लिखा हुआ है श्राद्ध में किस किस को बुलाया जाए, इसके ऊपर बड़ा विवरण है, उसमें ससुर को भी बुलाना लिखा हुआ है, जामाता को बुलाना और दामा ये जो भांजे आदि को भी बुलाना लिखा हुआ है, अपने ससुर को भी ये जो है श्राद्ध में बुलाया जा सकता है, इसीलिए तो श्राद्ध में उनका अभिवादन करेगा ही, ये भी है, हम अपनी बात बतला रहे हैं। तो उसी जगह पे लिखा हुआ है कि अपने शिष्य को भी आप अपने श्राद्ध में बुला सकते हैं, तो हमारे पूज्य गुरुदेव मेरा और भी हमारे ये जो है साथी हैं उनका निमंत्रण करते हैं कई बार, तो अब श्राद्ध में निमंत्रण करते हैं तो अब हम निमंत्रित हो गए, तो अब वहाँ निमंत्रित जो ब्राह्मण जाते हैं उनका जैसे औरों का लिखा हुआ है पाद प्रक्षालन चरण बंधन आदि करना, तो उसी तरीके से गुरुजी हमारा भी करते, बताइए
इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े त्यागी, जिनको मैं जो है ईश्वर तुल्य मानता हूँ, अपने ईश्वर ही भगवान मानता हूँ, और पर अब वहाँ शास्त्र की आज्ञा है और गुरु आज्ञा है ना, तो गुरु आज्ञा होने से, शास्त्र आज्ञा होने से वो सब मैं जो है उनको करवाना पड़ता है। फिर उस दिन विद्या अध्ययन नहीं होगा, क्योंकि अब वो तो हम लोग तो अब गुरु जी निमंत्रण कर दिए हमारा, हम जो हमारा अभिवादन कर रहे हैं, अपने शिष्य का गुरु जो है प्रणाम कर रहे हैं। तो अब आप अगर कोई भी शिष्य ये सोचे कि गुरु अब तो अब ये शुरू हो जाए तो कितना अनर्थ है। अरे वो उस दिन की छूट थी, अब तो हमें ही रोज करना है गुरु जी का चरण वंदन, करते हैं, करना चाहिए। तो ये अभी घटना वर्ष में दो एक बार हमारे साथ में होती है, ये जो कार्य है, ये शास्त्रीय कार्य है। इसको इसलिए कहा जा रहा है कि बस एक दिन की जो बात थी, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि ऐसा आप कर सकते हैं और शिष्य का भी निमंत्रण कर सकते हैं, लेकिन जो निमंत्रित ब्राह्मण है उनमें आप अपने पिता की बुद्धि रखें। पिता के लिए निमंत्रित किया ना, श्राद्ध पिताजी का कर रहे हैं, तो वो उनमें आकर के बैठते हैं और वो पिता की ही बुद्धि रख करके उनका पूजन इत्यादि किया जाए, तो ये सब करना है। तो इसी दृष्टि से एक एक दिन की जो करनी बात थी, इसी में ये कार्य शुरू हो गया है। अन्यथा शास्त्रीय बात तो यही है कि पिता को पुत्री प्रणाम करे, ज्येष्ठ भ्राता को छोटी बहन प्रणाम करे, और भांजा मामा को प्रणाम करे, और दामाद ससुर को प्रणाम करे, यही शास्त्रीय है। हर हर महादेव।